खेतड़ी में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर कर्मचारियों ने एसडीएम कार्यालय के सामने किया हल्ला बोल प्रदर्शन। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर सभी विभागों के कर्मचारियों ने शनिवार दोपहर बाद उपखंड कार्यालय के सामने हल्ला बोल प्रदर्शन किया और नई पेंशन योजना लागू करने के लिए सरकार को चेताया। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ राजस्थान खेतड़ी ब्लॉक अध्यक्ष फकीर चंद ने बताया कि राजस्थान सरकार के 3 वर्ष पूरे होने गए हैं, सरकार कर्मचारियों की मांग पर ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने बताया कि हमारे 11 सूत्री मांग है जिसको लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान संदीप कुमार, सुनील कुमार, पूजा चौधरी, अनिता देवी, अशोक गोठवाल, पूजा यादव सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। आज उपखंड कार्यालय के सामने सरकार की तीसरी वर्षगांठ के इस अवसर पर सरकारी कर्मचारी पूरे राजस्थान के 5 लाख कर्मचारियों की मांग है पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन के संबंध में आज हल्ला बोल कार्यक्रम एनएचएसईएफआर राजस्थान के नेतृत्व में ये कार्यक्रम उपखंड खेतड़ी कार्यालय के सामने सभी विभागों के कर्मचारी आज एकत्रित हुए हैं। काफ़ी समय से सरकारों से मांग कर रहे हैं, सरकार हमारी आवाज़ को नहीं सुनती है। मजबूरन हमें आंदोलन की राह पे चलना पड़ा है। हम सरकार को ये जानकारी देना चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, हमारी मांग को सुने। यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो मजबूरन हमें विधानसभा के अवसर पर राजस्थान के अंदर सभी कर्मचारियों को आह्वान करके हम वहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का आयोजन करने जा रहे हैं। अतः सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को देखते हुए, कर्मचारियों की मजबूरी को जानते हुए 1996 पेंशन अधिनियम को अति शीघ्र लागू करें ताकि कर्मचारियों के बुढ़ापे की सुरक्षा की जा सके। खेतड़ी कस्बे में कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। खेतड़ी कस्बे के बड़ा मंदिर में शनिवार को 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। सुधीर गुप्ता, शकुंतला देवी, मुकेश गुप्ता व मोनिका गुप्ता की मुख्य यजमानी में पंडित गोपाल दीक्षित महाराज ने सानिध्य में कलश यात्रा निकाली। महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए कलश यात्रा निकाली। रामायण सत्संग संस्था मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ हुई जो कस्बे के मुख्य मार्ग होते हुए बड़ा मंदिर प्रांगण में पहुंची। खेतड़ी दौरे पर रहे मालपुरा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। मालपुरा जिला टोंक के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश बेरवा ने खेतड़ी का दौरा किया। उन्होंने अजीत विवेक म्यूजियम के सामने लगी स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के फूल अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने स्वामी विवेकानंद व राजा अजीत सिंह की जीवनी पर बनाए गए म्यूजियम का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद मेरे आदर्श है, उन्हीं की जीवनी से प्रेरणा मिली है। मैं जब भी खेतड़ी आता हूँ रामकृष्ण मिशन में जरूर आता हूँ। इस दौरान उन्होंने देश का डंका विदेशों तक बजाया था। ज्योतिबा फुले ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का खेतड़ी दौरा अनेक स्थानों पर किया अभिनंदन। महात्मा ज्योतिबा फुले ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सैनी का खेतड़ी दौरा रहा। इस दौरान उन्हें अनेक स्थानों पर अभिनंदन किया गया। रामकृष्ण मिशन स्थित अजीत विवेक राष्ट्रीय संग्रहालय के ओपन थिएटर में नगरपालिका के पार्षदों वेणीशंकर, राहुल सैनी, हीरालाल सहित दर्जनों लोगों ने माला व साफा बनाकर अभिनंदन किया। इसी प्रकार पोलो ग्राउंड के पास पूर्व पालिका अध्यक्ष शशि सैनी, राम अवतार सैनी के नेतृत्व में अभिनंदन किया। वही करमाड़ी बस स्टैंड पर निरंजन लाल सैनी के नेतृत्व में भी दर्जनों कार्यकर्ताओं ने माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। खुश हो और बड़ी भविष्य का भी वहाँ पे सम्मान समारोह है और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए उनका अभिनंदन वगैरह कार्यक्रम। सर, समाज के लिए भी कोई उत्थान के लिए कोई संदेश? समाज के लिए हम राजस्थान सरकार से हमारी 5 मांगें चल रही है और उन 5 मांगों को लेकर हम पूरे गाँव में विवेकानंद जी जैसे आदर्श हैं उनके दिशा निर्देश में हम काम कर रहे हैं। ऐसे माने एक तरह से, क्योंकि इनके चरणों में हम खड़े हैं, तो हमारा भी गांव लोगों को, युवाओं को जागरूक करना है और हमें हमारे हक के लिए स्वाभिमान के लिए हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे युवाओं को अनेक प्रकार से फंड की व्यवस्था हो, तो उनके लिए हम काम कर रहे हैं और यही मिशन लेके हम आज इनके बीच में आए हैं।